ये खिलाड़ी कभी होते थे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, एक दूसरे को देखना भी नहीं करते थे पसंद। फिर जैसे ही आईपीएल आया, इन दुश्मनों को दोस्त बनाया। दो की तो मैदान पर हो चुकी है हाथापाई, क्रिकेट जगत में हो गया था बवाल। एक ने तो भारत के साथ ही कर दी थी बड़ी बेईमानी, तब पूरी दुनिया को हुई थी हैरानी। एक कप्तान ने अपने ही खिलाड़ी पर छोड़ दिया था हाथ, फिर उसने टीम का छोड़ दिया था साथ। फिर जैसे ही एक साथ आईपीएल में आए, पुराने सारे गम भुलाए। उन पांच दुश्मनों की कहानी, जिनकी दोस्ती के सब सुनाते हैं कहानी, आज हम आपको चारों ही कहानी बताएंगे, पूरा किस्सा समझाएंगे। क्रिकेट के मैदान पर दोस्ती दुश्मनी के किस्सों की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। कई कहानियां तो ऐसी नहीं है जब दो खिलाड़ियों के मैदान पर हाथापाई तक हो गई। वहीं एक बार एक विदेशी कप्तान ने भारतीय टीम के साथ बड़ी बेईमानी की थी, जिसकी चर्चा उस वक्त पूरी दुनिया में हुई थी। लेकिन कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है। इन खिलाड़ियों के जख्म भी भर गए और आज वो दुश्मन आईपीएल में दोस्त बन गए। चलिए आज आपको उन चार दुश्मन जोड़ियों की कहानी बताते हैं जो आईपीएल में दोस्त बन गए। नंबर एक, सौरभ गांगुली और रिकी पोंटिंग। एक वक्त था जब कंगारू कप्तान और भारत के कप्तान गांगुली के बीच 36 का आंकड़ा हुआ करता था। याद कीजिए वो लॉर्ड्स टेस्ट जब पोंटिंग की कप्तानी में भारत के साथ बड़ी बेईमानी हुई थी, तब उसकी आलोचना दुनिया भर में हुई थी। उस मैच के बाद मैच न खेलने की धमकी तक दे दी गई थी, लेकिन वक्त बदला तो सब कुछ ठीक हुआ। गांगुली और रिकी पोंटिंग के बीच सारे फासले उस वक्त खत्म हो गए जब दोनों ने आईपीएल के पहले सीजन में एक ही टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला। इतना ही नहीं, सौरभ गांगुली और रिकी पोंटिंग कई साल बाद दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के खेमे में एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। नंबर दो, हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स। हरभजन सिंह और साइमंड्स मशहूर 2008 सिडनी टेस्ट के दौरान मंकी गेट स्कैंडल में आमने सामने आए थे। बताया जाता है कि उस मैच के दौरान दोनों की आपस में खूब लड़ाई हुई थी, लेकिन वक्त ने इस घाव को भर दिया। करीब 3 सालों तक चले उस विवाद के बाद दोनों खिलाड़ी 2011 में मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बने। उनके भयंकर झगड़े को देखते हुए लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों खिलाड़ी उस झगड़े को इतनी आसानी से भूल जाएंगे। हालांकि अंत में सचिन तेंदुलकर, जो उस समय मुंबई इंडियंस के कप्तान थे, उन्होंने एक मध्यस्थ के रूप में काम किया और दोनों के मतभेदों को खत्म करने में मदद की। नंबर तीन, विराट कोहली और डेल स्टेन। भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन खेल के प्रति अपने जुनून के मामले में एक जैसे हैं। जब वो एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो वो खतरनाक प्रतिद्वंदी होते थे। मैदान पर कई बार दोनों के बीच एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए देखा गया, लेकिन जब दोनों ने एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए खेलना शुरू किया तो दोनों की दोस्ती भी हो गई। विराट कोहली ने इसका खुलासा खुद किया था। कोहली ने कहा था कि वो आरसीबी में 3 साल तक स्टेन के साथ खेले थे और उन्होंने वहीं से अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाया। विराट ने यह भी कहा कि स्टेन हमेशा उन्हें सबसे ज्यादा गले लगाते हैं और जब भी वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बहुत दोस्ताना है। नंबर चार, केविन पीटरसन और युवराज सिंह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केविन पीटरसन के शुरुआती वर्षों में उन्होंने भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के खिलाफ एक बड़ी प्रतिद्वंदिता की शुरुआत की थी। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ने युवराज को पाई चकर करार दे दिया था और उनकी गेंदबाजी को खराब कहा था। हालांकि कुछ साल बाद वही पीटरसन अपने अच्छे दोस्त युवराज सिंह का बचाव करते हुए नजर आए। आईपीएल में एक साथ समय बिताने से शायद इन दोनों सुपरस्टार्स को मतभेद दूर करने और करीबी दोस्त बनने में मदद मिली। जब युवराज साल 2012 में कैंसर से जूझ रहे थे तो केविन पीटरसन उनसे जाकर मिले भी थे। नंबर पाँच, दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या। दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या के झगड़े के किस्से हर कोई जानता है। जिस वक्त दोनों एक टीम से खेलते थे उस वक्त बताया जाता है कि एक बार कुणाल पांड्या ने दीपक हुड्डा पर हाथ तक उठा दिया था। उसके बाद कुणाल ने उनका साथ छोड़कर राजस्थान से खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन अब दोनों आईपीएल में एक साथ लखनऊ की टीम का हिस्सा हैं। बताया जाता है कि इन दोनों को समझाने का काम गंभीर ने किया था। तो ये उन पांच जोड़ियों की कहानी थी जो एक वक्त में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते थे, लेकिन आईपीएल इन खिलाड़ियों को दुश्मन से दोस्त बना गया। आपका इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है और क्या आपको लगता है आईपीएल के आने से खिलाड़ियों के बीच की दुश्मनी खत्म होने लगी है? जो भी आपकी राय हो कॉमेंट करके जरूर बताएं।